नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हमारे पास अवेलेबल है चार स्मार्टफोन जो कि चारों ही बहुत पॉपुलर फोन है, जहां पर अवेलेबल है हमारे पास 14,000 रुपीज से 23,000 रुपीज तक के फोन, जहां पर हम करने वाले हैं इन चारों ही ब्रांड्स में कंपेरिजन, चारों ही फोन में कंपेरिजन। जो चार फोन है वो चारों ही अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल है मेरे पास। आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi Redmi Note 5 Pro, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की तारीख में। साथ में अवेलेबल है इसी के बाद वाला ऑप्शन, मतलब प्राइस में इसके बाद में ब्रांड है दूसरा, जो कि है Samsung Galaxy J7 Max, जो कि ये भी काफी पॉपुलर फोन है। और इसके बाद में हम बात करते हैं जो कि अवेलेबल है 22,000 रुपीज का, जो कि अवेलेबल है वो है ओप्पो का F7, जो कि रिसेंटली लॉन्च मॉडल है। इसके बाद में अवेलेबल है वीवो का V9, जो कि आता है 23,000 रुपीज का। तो यहाँ पर जो है चारों ही वेरिएंट है वो है 4GB के साथ में। स्टोरेज सब में अलग अलग है, क्योंकि J7 Max में यूज किया गया है 32GB और इसके अलावा तीनों ही ब्रांड में यूज किया गया है 64GB 4GB रैम के साथ में। तो हम करने वाले हैं इन चारों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन और हम देखने वाले हैं कि यहां पर जो है कौन सा फोन विनर रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस रेंज, अवेलेबिलिटी और यहाँ पर चिपसेट की। तो स्टार्टिंग वाला मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, जो कि है 14,000 रुपीज का, 14-23,000 रुपीज के प्राइस में अवेलेबल है, जो कि स्टार्टिंग मॉडल है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro। जहां पर हम बात करते हैं वेरिएंट की, वो अवेलेबल है हमारे पास 4GB के साथ में 64GB स्टोरेज। बात करते हैं चिपसेट की, वो आता है स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट आपको जो है Xiaomi Redmi Note 5 Pro में जो है देखने को मिल जाता है। बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो आपको मिलेगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। प्राइस की 14,000 रुपीज आपको जो है प्राइस आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हमारा अवेलेबल है जो कि आता है 14,900 रुपीज का, जो कि है Samsung का Galaxy J7 Max, जो कि वेरिएंट आता है 4GB के साथ में 32GB स्टोरेज। बात करते हैं चिपसेट की, तो यहां पर जो है चिपसेट यूज किया गया है वो है MediaTek का 6757, मतलब आपको यहां पर जो है MediaTek का चिपसेट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। वेरिएंट 4GB 32GB अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। और ये वाला मॉडल है ओप्पो का रिसेंटली लॉन्च मॉडल ओप्पो F7, जहां पर अवेलेबल होगा आपको अप्रैल 2018 से। बात करते हैं इसके चिपसेट और वेरिएंट की, तो वेरिएंट आता है 4GB साथ में 64GB स्टोरेज। चिपसेट इसमें यूज किया गया है हेलियो P60, जो कि एक काफी अच्छा चिपसेट है। यहाँ पर हम कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन मीडियाटेक के चिपसेट से, हम देखते हैं कि क्या हेलियो P60 ये बीट कर पाता है या फिर जो है नहीं कर पाता है। तो ये आता है ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। इसके बाद में अवेलेबल है वीवो का V9, जो कि लॉन्च हुआ है रिसेंटली, जो कि अप्रैल 2018 में आपको जो है मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। बात करते हैं वेरिएंट की, तो वेरिएंट अवेलेबल है 4GB के साथ में 64GB स्टोरेज। बात करते हैं यहां पर चिपसेट की, तो वो यूज किया गया है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 626। तो हम देखते हैं यहां पर जो है परफॉर्मेंस कैसा रहता है V9 का, इन चारों फोन के कंपैरिजन में क्या V9 विनर रहता है या फिर जो है नहीं रहता है। बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा। प्राइस 23,000 रुपीज। तो ये थे इन चारों ही फोन के वेरिएंट, चिपसेट, अवेलेबिलिटी, प्राइस रेंज। और अब हम करते हैं चारों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन और हम देखते हैं कि यहां पर जो है स्पीड कंपेयर में क्या 14,000 रुपीज वाला Xiaomi Redmi Note 5 Pro विनर रहता है या फिर 23,000 रुपीज वाला V9 जो है विनर रहता है। तो हम करते हैं इन चारों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन और हम देखते हैं कि यहां पर जो है स्पीड कंपेयर में जो है कौन सा फोन विनर रहता है।
तो हमने यहाँ पर चारों ही फोन में स्पीड कंपेरिजन किया, हमने देखा है यहाँ पर सबसे कम टाइम में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करता है वो है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, और सबसे ज्यादा टाइम जो लेता है वो है यहाँ पर Vivo का V9। तो ये रहता है सिक्वेंस वाइज यहाँ पे विनर जो कि है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, उसके बाद में है Samsung Galaxy G7 Max, उसके बाद में आता है Oppo का F7 और उसके बाद में आता है Vivo का V9। और अब हम करते हैं चारों ही फोन को बूट, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा फोन जो है विनर रहता है। हमने कर दिया है चारों फोन को एक साथ बूट, हम देखते हैं यहां पर जो है कौन सा फोन पहले स्टार्ट होके ऑन हो जाता है। हमने यहाँ पर देखा सबसे पहले बूटिंग टाइम कंप्लीट किया वो है Vivo का V9, उसके बाद में है Oppo का F7, उसके बाद में है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro और सबसे लास्ट पर आता है Samsung Galaxy G7 Max। तो ये था इन चारों फोन के बीच में स्पीड कंपेरिजन और बूटिंग टाइम टेस्ट। तो ये था इन चारों फोन के बीच में स्पीड कंपेरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन चारों फोन के बारे में और इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी जो छोटे छोटे अपडेट देते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।